नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग एंड वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने एमएस एक्सेल क्या है ये समझा था। ये सेशंस में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के इंटरफेस को किस तरह से रीड करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, बट ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज समझ के आप किसी को गाइड कर सकते हो या किसी का गाइडेंस ले सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से टाइम वेस्ट बिना किया बिना हम शुरू करते हैं एमएस एक्सेल का इंटरफेस किस तरह से समझा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो एमएस एक्सेल का इंटरफेस। दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज टपरी। अब समझेंगे हमारा ये एमएस एक्सेल का इंटरफेस है। ओके, अभी शुरुआत करते हैं हम एमएस एक्सेल को ओपन किस तरह से करना है। ओके, मैं पूरा ओपन करता हूँ। आपके आप स्टार्ट में जाइए, स्टार्ट में जाके आप यहाँ पर EXEL जस्ट आप टाइप करेंगे तो आपको एमएस एक्सेल का इंटरफेस मिल जाएगा। आपको यहाँ से एमएस एक्सेल ओपन कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एमएस एक्सेल खुल जाएगा। सी मेरा बुक वन करके आपका हमेशा एमएस एक्सेल जब भी खुलता है, नया कोई भी आप फाइल खोलते हो एमएस एक्सेल का, उसका अननेम जब भी नाम रहता है, कोई भी सेव नहीं किया हुआ नाम रहता है, तो वो बुक वन के नाम से खुलता है। ओके, तो मैं ये इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज बटन है, आप क्लोज बटन से क्लोज कर सकते हो। ओके, तो अगेन मैं अपना ये इंटरफेस है, मेरा जो एक्सेल फाइल है आपके प्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ, उसे खोल दिया। ओके, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। अभी शुरुआत करते हैं, ये है आपका टाइटल, यहाँ पर लिखा हुआ है डे वन। ये मेरा सेव नेम है और ये एक्सेल का फाइल है, इसके लिए इसने डैश एक्सेल करके लिखा हुआ है, तो डे वन डैश एक्सेल, तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये हमेशा टाइटल बार पे आपके यहाँ से शॉर्टकट्स रहते हैं जो आपको डेली यूज करना है। अभी देखो, मुझे यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखना है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ये देखो, हाँ प्रिंट। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन रन करना शुरू कर देगा। अदरवाइज मेरा ये होते हैं, मेरे बहुत शॉर्टकट कीज रहते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार आप बोल सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार। तो दिस इज ऑल माय क्विक एक्सेस टूल बार एंड दिस इज माय टाइटल बार। टाइटल बार में मेरा हमेशा नाम रहता है। और ये हो गए मेरे क्विक एक्सेस टूल, जिसके थ्रू मैं अपना मिनिमाइज कर सकता हूँ, एक्सेस को रिस्टोर करना, छोटा करना, बड़ा करना, फुल स्क्रीन करना, ये आप रिस्टोर बटन से कर सकते हो, और एक्सेल को क्लोज करने के लिए आप क्लोज बटन का यूज कर सकते हो। दोस्तों, उसके नीचे आता है ये आपका रिबन टैब्स। अभी आप देखोगे ये रिबन है मेरे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। डेवलपर टैब आप सबको दिखेगा नहीं, क्योंकि डेवलपर टैब को हमें एक्टिव करना पड़ता है। वो किस तरह से करना है हमें, हम आगे समझ लेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ये हमारे रिबन्स हैं। ओके, ये रिबन्स के अंदर ये रिबन्स का ग्रुप है। अब नाउ यू कैन सी इन हियर, दिस इज रिबन्स ग्रुप। ओके, ये क्लिपबोर्ड ये रिबन्स ग्रुप का नाम है, ये ग्रुप है। ओके, जिसके साथ ये बहुत सारे कंट्रोल्स है, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स का मिला के एक ग्रुप बनता है। ओके, तो रिबन्स में ये पेस्ट ये कंट्रोल है, कट एक कंट्रोल है, कॉपी एक कंट्रोल है, फॉर्मेट प्रिंटर एक कंट्रोल है। ओके, तो ये सबका मिला के क्लिपबोर्ड ये एक रिबन का ग्रुप बनता है। ओके गाइस, गॉट इट। अभी यहाँ से नीचे आते हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं। फॉन्ट ए ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ए ग्रुप हो गया, नंबर ए ग्रुप हो गया, स्टाइल ए ग्रुप हो गया, स्केल ए ग्रुप हो गया। ओके, तो ये सारे ग्रुप्स हैं। मतलब आप जाओगे किसी को बताना है, आपको कैसे बताओगे, एक काम कर तो फॉर्मूलाज रिबन में जा, फॉर्मूलाज रिबन में जाने के बाद फॉर्मूला एडिटिंग जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में जा और उसमें से तो रिमूव एरोज कर दे, रिमूव एरोज वाला कंट्रोल यूज कर। सो ये बताने के लिए, समझने वाले को, सामने वाले को समझने के लिए बहुत आसान हो गया कि उसको कहाँ जाना है। ओके, आप डायरेक्टली बोल रहे अरे रिमूव एरोस कर दो, उसको रिमूव एरोस ढूंढना पड़ेगा, तो आप इसको बता सकते हो। इस तरह से उसको समझने के लिए आसानी होगा। एमएस एक्सेल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेम बॉक्स। ओके, अभी नेम बॉक्स एक्चुअली है क्या? नेम बॉक्स ये एक एड्रेस है, ये आपको एक एड्रेस डिफाइन करता है। चलो मैं आपको न्यू शीट लेके देता हूँ, कंट्रोल एन, आप नया शीट बना सकते हो। तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक नया शीट आ गया। अभी देखो मैं जो भी सेल, इसको सबको सेल्स बोलते, दिस ऑल आर सेल्स। ओके, मैं जो भी सेल्स पे क्लिक करता हूँ, सेल का यहाँ पर रेफरेंस आ जाता है। मैंने डी कॉलम फिफ्थ रो, ये होते हैं हमारे सारे कॉलम्स, ए बी सी डी, दिस आर द माय कॉलम्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर माय रोज। ओके, और रोज और कॉलम्स जहां पर मिलता है वो होता है हमारा सेल। ओके, यहाँ से रो आ गए, चलो यहाँ से रो आ गए इतने,
मैं यहाँ इसको येल्लो कलर देता हूँ, यहाँ से मेरे कॉलम आ गए, यहाँ से मेरे रो आ गए, इसको मैं येल्लो कलर देता हूँ, तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं ना, तो ये मेरा D8 रो हो गया। D8 कॉलम एंड रो, हमेशा कॉलम पहला रहता है, अब देखो यहाँ पर हमेशा कॉलम पहला है फिर रो है, तो इस तरह से कॉलम और रो जहाँ पर मिलता है उसे हम सेल बोलते हैं। ओके दोस्तों, उसके आगे यहाँ पर आता है हमारा फॉर्मूला बार। ओके ये हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, अभी मैं ये इसके ऊपर जो फॉर्मूला लिखना है ना, वो फॉर्मूला मैं लिखने के लिए यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इक्वल टू इसको मैंने सिलेक्ट किया प्लस मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो देखो मेरा आउटपुट जनरेट हो गया। ओके तो दिस इज दैट सो सिंपल गाइस, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट वीडियोस को देखते रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस फिर एक्सेल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ओके गाइस चलो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके तो ये हमारे रोज, ये हमारे कॉलम्स हो गए, ये हमारे रोज हो गए, और अभी यहाँ पर नीचे है टैब, ये हो गया हमारा शीट टैब। अभी शीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको समझना पड़ेगा गाइस। जो शीट होती है ना, एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट होती है, और एक शीट हमेशा एक वर्कबुक का ही पार्ट हो सकता है। ओके नए वर्कबुक में कोई नया शीट होगा, मैं आपको एक बहुत और अभी सिंपल और भी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ओके चलो मैं बता देता हूँ, एक बुक होती है आपके पास। ओके वो बुक में बहुत सारे पेजेस रहते हैं, तो ये जो एक शीट है ना, ये पेज हो गया, और वो आपकी बुक है ना, वो आपकी वर्कबुक हो गई। तो एक वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स रख सकते हो, बट एक पेज वो इसी एक किसी बुक से ही बिलोंग करेगा। इस तरह से एमएस एक्सेल में होता है कि एक बुक का मल्टीपल शीट्स हो सकता है, एक वर्कबुक का मल्टीपल शीट्स हो सकता है, और एक शीट एक ही वर्कबुक से बिलोंग करेगी। So, दोस्तों इस वीडियो में आपको समझने के लिए, एक्सेल इंटरफेस समझने के लिए इतना ही, आगे और वीडियोस और अच्छे से एक्सेल को समझने के लिए हमारे साथ नॉलेज टपरी पे बने रहे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना मत भूलना, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।